सादुलपुर में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है और इनमें कुछ युवकों ने घिनौनी हरकत कर मानवता को शर्मसार भी कर दिया है। शहर के रामबास रैगोरे के मोहल्ले के इस मामले में कुछ युवकों ने टेम्पो चालक को दबंगई दिखाते हुए जमकर मारा पीटा और दबंगई की सारी हदें पार करते हुए युवकों ने पिटाई के दौरान दलित चालक को चप्पल भी चटाई। मारपीट को अंजाम देने का यह सिलसिला करीब एक घंटे तक चला और दबंग युवकों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद युवकों के इस घिनौनी हरकत की चारों ओर निंदा की जा रही है। जानकारी के अनुसार टेम्पो चालक ने इन युवकों से सवारी के रूप में कहीं छोड़ा था और इसके बाद उसका किराया मांगा, तो इससे गुस्साए युवकों ने चालक की पिटाई कर डाली और पैसे के बदले युवक पर अपनी दबंगई दिखाई। पीड़ित युवक का नाम राजकुमार बताया जा रहा है और साथ ही जो पेशे से टेम्पो चालक है। सादुलपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां मानवता शर्मसार होती नजर आ रही है। दबंगों ने यहां पर दबंगई दिखाई है, टेम्पो चालक की दरिंदगी से यहां पर पिटाई की गई है और इसके बाद यही नहीं सोशल मीडिया पर इस वीडियो को भी वायरल किया गया है और पिटाई में युवक को चप्पल भी चटाई गई है। बेहद शर्मसार करने वाली घटना सादुलपुर से सामने आई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सादुलपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पिटाई का ये दर्दनाक वीडियो शर्मसार वीडियो सामने आया है और अब इस वीडियो की इस घिनौनी हरकत की हर कोई निंदा करता नजर आ रहा है। ये मामला बताया जा रहा है जब चालक ने सवारी छोड़ने पर पैसे मांगे थे और युवकों ने पैसे के बदले चालक से दबंगई कर डाली, उसकी पिटाई कर डाली। सादुलपुर से मानवता को शर्मसार करने वाला ये वीडियो सामने आया है जहां पर दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई है। आपको बता दें कि टेम्पो चालक की दरिंदगी से यहां पर पिटाई की गई है और साथ ही पिटाई में युवक को चप्पल भी चटाई गई है। दलित की पिटाई कर सारी हदें पार यहां पर की गई है और युवक की एक घंटे तक ये पिटाई की गई है।